हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। सो दिस इज नेहा एंड टुडेज वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आज हमारा सेकंड वीडियो है, जिसमें हम फैक्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे मस्कुलर परफॉर्मेंस को बहुत डेवलप करते हैं, हमारी मसल्स परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं और टेंशन जनरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर। सो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, बायो मैकेनिकल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल होते हैं, बायो केमिकल फैक्टर होते हैं। वो इतने सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में टेंशन जनरेट करते हैं हमारी स्केलेटल मसल्स में। जैसे कि हो गए फैक्टर्स, क्या डिपेंड करते हैं मोटर यूनिट पे, मोमेंट आर्म पे, जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है वो कैसे हो रहा है, एंड स्पीड क्या है कॉन्ट्रेक्शन की, लेंथ क्या है टेंशन जनरेशन की, और किस टाइप की फाइबर्स हैं, टाइप 1 फाइबर है या टाइप 2 फाइबर्स है, किस टाइप से फाइबर अरेंजमेंट है। ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं टेंशन जनरेशन के लिए हमारी बॉडी में, हमारी स्केलेटल मसल्स में। सो लेट गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हमारा है फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस टेंशन जनरेशन इन नॉर्मल स्केलेटन मसल्स। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्केलेटन मसल्स में टेंशन जनरेट करते हैं। जैसे कुछ हो गए मॉर्फोलॉजिकल हो गया, बायो मैकेनिकल हो गया, न्यूरोलॉजिकल हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, एंड बायोकेमिकल हो गया। फैक्टर्स जो क्या सब जनरेट करते हैं हमारी बॉडी, हमारी नॉर्मल स्केलेटन मसल्स में टेंशन को जनरेट करते हैं, मीन्स कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो कुछ डिटर्मिनेंट है, कोरिलेट करते हैं हमारी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स में टेंशन जनरेशन के लिए फैक्टर्स हो गया, इन्फ्लुएंस हो। कुछ ऐसे जो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मसल्स में टेंशन को जनरेट करने के लिए। फर्स्ट है हमारा क्रॉस सेक्शनली, जब हम मसल्स का करते हैं तो जो साइज होता है मसल्स का साइज़ होता है, जिसमें फाइबर्स कितने फाइबर है, क्या फाइबर का साइज़ है, कितने नंबर्स है फाइबर के, वो डिपेंड करता है। जब हमारे क्रॉस सेक्शनली हम साइज़ देखेंगे मसल्स, तो उसमें क्या होगा, यदि हमारे मसल्स का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर डायमीटर है, तो टेंशन होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। मीन्स क्या होता है, जितनी हमारी मसल्स का डायमीटर ज़्यादा है, साइज बड़ा है, तो उसमें टेंशन होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट है हमारा मसल्स आर्किटेक्चर्स, फाइबर अरेंजमेंट एंड फाइबर लेंथ। आर्किटेक्चर मीन्स किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, मसल्स का है, मसल्स फॉर्मेशन में जो उसके फाइबर है उसका लेंथ और ब्रेथ किस टाइप से अरेंजमेंट है, एंड आल्सो रिलेट टू क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द मसल्स, मसल्स के क्रॉस सेक्शनल डायमीटर पे। अब जैसे दो टाइप के फाइबर होते हैं हमारे, शॉर्ट फाइबर हो गया, हमारे पास लॉन्ग फाइबर हो गए। तो अरेंजमेंट देखते हैं, यदि शॉर्ट फाइबर है तो उसमें क्या होता है, पिनिट एंड मल्टी पिनिट डिज़ाइन आर टिपिकल इन हाई प्रोड्यूसिंग मसल्स। मीन्स पिनिट एंड मल्टी पिनिट मीन्स ऐसी मसल्स होती है, पिनिट और मल्टी पिनिट में बहुत सारी मसल्स होती है जो एक साथ आर्किटेक्चर फॉर्म होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारी मसल्स हो गई, कॉर्डिसेप्स हो गया, गैस्ट्रो इनकस हो गया, डेल्टॉइड हो गई, बाइसेप्स हो गए, तो इनमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और ये हाई बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, हाई प्रोड्यूसिंग मसल्स होती है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा टेंशन जनरेट करती हैं, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोइनकस, डेल्टॉइड एंड बाइसेप्स। एंड जब हमारी लॉन्ग फाइबर होते हैं, इनमें क्या था, इनमें जो शॉर्ट फाइबर है वो हाई प्रोड्यूस करते हैं टेंशन जनरेट करते, और लॉन्ग फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल डिज़ाइन होते हैं एंड मसल्स को शॉर्टिंग रेट देते हैं। है ज़रूर लॉन्ग फाइबर, और इनकी जो मसल्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होगी वो कम होती है, जैसे कि हमारा सार्टोरियस मसल्स हो गया, लंबेरिकल्स हो गए, इनमें लॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहे हैं कि किस टाइप के फाइबर है, उस टाइप से टेंशन जनरेट होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे लार्ज मसल्स डायमीटर है तो टेंशन जनरेट बहुत ज़्यादा होगा, शॉर्ट फाइबर है तो उसमें ज़्यादा होगा, लॉन्ग फाइबर है तो उसमें कम होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, फाइबर टाइप मीन्स फाइबर के टाइप कैसे हैं, किस टाइप के फाइबर से डिपेंड करता है प्रोड्यूसिंग। जैसे कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होते हैं, दो टाइप के फाइबर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 2 फाइबर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2A एंड 2B। तो ये क्या होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 देख लेते हैं हम। टाइप 1 में क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ टाइप 1 फाइबर, लो फोर्स प्रोडक्शन, स्लो रेट ऑफ मैक्सिमम फोर्स डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस टू फटिंग। मीन्स क्या होगा, इसमें लो फोर्स प्रोडक्शन होता है टाइप 1 फाइबर्स में, और जो फटिक का लेवल होता है, उसका जो रेजिस्टेंस लगता है वो बहुत कम लगता है, शॉर्ट स्लो होता है। पर टाइप 2 फाइबर में क्या होता है, हाई परसेंटेज होता है, बहुत ज़्यादा टाइप 2A एंड टाइप 2B होता है,
उसमें क्या होता है, इसमें जो फोर्स प्रोडक्शन होगा वो बहुत फास्टली रैपिडली होता है, हाई प्रोडक्शन होता है एंड बहुत फास्ट ही फटी होता है। टाइप वन में लो फोर्स प्रोडक्शन है, बहुत कम फोर्स होगा और स्लो फटिंग होगा, पर इसमें हाई फोर्स प्रोडक्शन एंड रैपिड फटिंग होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे मस्कुलर टेंशन जनरेशन के लिए किस टाइप का फाइबर है, टाइप वन है या टाइप टू है। तो उसमें भी हमारी बॉडी में डिफरेंस होगा टेंशन जनरेशन के लिए। नेक्स्ट डिपेंड करता है जो मसल्स है उसकी लेंथ, टेंशन जनरेशन के लिए भी डिपेंड करती है, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ मसल एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम क्या लेंथ और टेंशन का रिलेशनशिप रहता है वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि मसल प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट टेंशन व्हेन इट इज नियर और एट द फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग लेंथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। मीन्स मसल जब बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती है, बहुत अच्छा टेंशन जनरेट करती है, जब उसके पास क्या होता है नियर फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग लेंथ होती है। फिजियोलॉजिकल जो हमने मसल्स कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाया उसमें रेस्ट जो मसल्स कब करती है वो डिपेंड करता है हमारे मसल्स जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट मूवमेंट आर्म बिटवीन मसल्स फोर वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ द जॉइंट रोटेशन। मूवमेंट आर्म भी डिपेंड करता है हमारे मसल्स के स्केलेटन मसल्स के अंदर फोर्स प्रोडक्शन के लिए। यदि हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है वो बहुत ज़्यादा होगा तो अच्छा फोर्स प्रोडक्शन करेगा, कम होगा तो कम फोर्स प्रोडक्शन करेगा। ग्रेटर टेंशन इज प्रोड्यूस विद लॉन्गर मूवमेंट आर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट है रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट। मीन्स मोटर यूनिट को रिक्वायर, मोटर यूनिट क्या होती है हमारी बॉडी, हर एक मसल्स के पास एक उसकी खुद की मोटर यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है जो सिग्नल्स को सेंटर सीएनएस तक पहुंचाती है, मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन को। तो उसकी मेन मतलब मोटर यूनिट उसका मेन फंक्शनल है यूनिट। जितना ज़्यादा ग्रेटर द नंबर एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट फायरिंग द ग्रेटर द फोर्स प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा हमारा मोटर यूनिट वर्क करेगी, हमारे नंबर्स के ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ही फोर्स प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन होगा हमारे मोटर यूनिट पे, बार बार उसके पास सिग्नल जाएगा तो बार बार सिग्नल हमारे सीएनएस तक पहुँचाएगा। सीएनएस क्या करेगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा, टेंशन जनरेट करेगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ मोटर यूनिट फायरिंग। मोटर यूनिट रेट क्या रेट होती है, मोटर यूनिट बार बार फायरिंग कर रहा है, मीन्स बार बार उससे मसल्स एक्टिविटी हो रही है। हायर द फायरिंग फ्रिक्वेंसी द ग्रेटर द टेंशन। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबरिंग होगा फायरिंग का मोटर यूनिट पे, तो उतना ज़्यादा ग्रेटर टेंशन होगा, जनरेट होगा, क्योंकि बार बार सिग्नल और मसल्स एक्टिविटी बार बार होगी तो सिग्नल भी बार बार जाएगा और फोर्स प्रोडक्शन भी बार बार होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन किस टाइप का होगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन दो टाइप से होता है, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। तो उसमें से देखते हैं कि कौन से टाइप का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फोर्स आउटपुट फ्रॉम ग्रेटेस्ट एटलीस्ट ईसेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक कंसेंट्रिक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। ईसेंट्रिक कंसेंट्रिक हमारे आइसोटोनिक के होते हैं एंड आइसोमेट्रिक मसल्स को, दो टाइप का जो ज़्यादा आउटपुट देगा वह उसी से ही हमारा टेंशन जनरेट भी होगा। नेक्स्ट 9 पॉइंट स्पीड ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। मीन्स डिपेंड करता है हमारा मसल्स कॉन्टैक्ट कितनी स्पीड से कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा। जैसे कंसेंट्रिक हो गया, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, इंक्रीज स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो डिक्रीज टेंशन हो जाएगा। बार बार स्पीड बहुत फास्ट है कॉन्ट्रेक्शन की तो सीरियसली टेंशन जनरेट कम हो जाएगा। ईसेंट्रिक एंड कॉन्ट्रेक्शन होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो कंसेंट्रिक में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, हमारा जो एंगल है वो कम होता है, कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो यदि हम कंसेंट्रिक कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड के साथ तो जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। ईसेंट्रिक में क्या होता है, हमारा जो लेंथ है एंगल है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम स्पीडली कर रहे हैं तो हमारा टेंशन भी स्पीडली हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा फैक्टर्स स्केलेटल मसल्स के, कैसे हम इसमें फोर्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा मस्कुलर पावर कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट जो आ रहा है हमारे पास, वो हमारे मसल्स परफॉर्मेंस के लिए आ रहा है, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मस्कुलर पावर इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो यदि हम तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, उसके बाद ही उसका मस्कुलर पावर बहुत अच्छा इंक्रीज हो सकेगा। कि किस टाइप का मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है, क्या स्पीड है, किस क्या मोटर यूनिट है उसकी, और किस किस
कौन कौन से टाइप्स के फाइबर प्रेजेंट है और हमारा मूवमेंट आर्म किस टाइप का है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।